क्या सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे मक्का में, बोलो कहां पे? एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है? बूढ़ी, बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बुरी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं। बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं। ओ, कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े ओपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया। वो औरत उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहां बाजार जाएगी और कहां वहां पे सामान उठाएगी? तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहां पर पहुंची, और दो ठेले भर के सामान खरीदा। बोलो दो ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले, वो बिचारी क्या करे मालूम है? एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे, और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा, दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है, और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ से बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहो, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर, हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भराए, हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसलिए मैंने वाक्या शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम? या उम्मा अय्यशा इंतफाली, या उम्मा अय्य, हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो? तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा, वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता, बेटा ये दो ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ? अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा, और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, वो तो बूढ़ी औरत थी, अरे बोलो औरत कैसी थी? बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है? ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना, आ जाओ आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहां जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, तमें का थी आवा, तमारो का रेवानो, तमारा हस्बैंड का छे, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना। बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले, उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी, माँ माँ होके तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तू इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, आए हमारे नबी आए,
क्या क्या काम है? कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजुर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बुरी औरत हो, एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत। हाँ बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया, कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात? कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते, कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है, मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो, कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है, बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आवा, या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारो, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा? कहा मां अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी, मोहम्मद से नहीं मिलने का ना? नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से, नहीं, लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहां से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा? बताओ पूछा हमारे नबी ने? नहीं, अम्मा मैंने तुम्हें मां कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी मां बन गई मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा तो मेरे नाम की क्या जरूरत है। तो अम्मा कहती ना तूने मुझे मां बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद, जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ, लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ, मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो, अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे, अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता है, हाथ बढ़ा मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ। और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है और क्या जुमला बोलती है मालूम, वो माँ बोलती है अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तू वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है, अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों मैं अब आपसे पूछता हूं, हमारे नबी का उस औरत के साथ क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था? मां थी हकीकत में, हमारे नबी की अम्मा तो बहुत पहले इंतकाल कर गई, हमारे नबी तो यतीम पैदा हुए, 6 साल के थे तो मां रुखसत हो गई थी, ये मां तो नहीं थी, कोई खानदान भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने वो अखलाक दिए कि एक बूढ़ी मां ने ईमान कबूल कर लिया। और मैं सच कहता हूं मेरे प्यारों, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है लेकिन हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल नहीं करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रियाज का कारोबार हम करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, सबसे ज्यादा आंखों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सबसे ज्यादा कानों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हजारों लोगों की बुराई करते हैं, कभी ये नहीं सोचते किसी की बद्दुआ निकल जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा।
तो कौन कौन तैयार है भाई? आज दिल को साफ करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। कितने लोग बैठे मालूम है, मैं उससे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? कहा ना ना, अपन बात नहीं करे, 2 साल हो गए, अपनी नाक तो झुके नहीं। उसको आना हो तो 10 मरतबा आके माफी मांगे, और वो बेचारा माफी मांगने आता ना, ना ना मैं माफ नहीं करूंगा, अरे तेरे को कयामत में भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये घमंड किस बात का है? नहीं नहीं, हम लोग ये अपने आप को मैं कुछ हूं, ये कहां से आया? नहीं नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ हूं या आप कुछ है, क्या है हम लोग? नहीं नहीं, बताओ ना क्या है? हम पैदा किससे हुए? किससे पैदा हुए? ये हमारा बाप जो है ना, उसके मनी का जो कतरा, मनी तो समझते हो ना, मनी तो समझते हो ना, मनी का कतरा। और हमारी माँ को जब पीरियड आया ना, पीरियड में जो खून आता ना, उस खून के कतरे से और बाप के मनी के कतरे से अल्लाह ने हमको पैदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, घमंड मत करना इसलिए कि तेरी असलियत को देख ले, माँ का नापाक खून और बाप के मनी का नापाक कतरा, उससे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह कहता, अलम यकुन नुतफा मिन मनी ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। आज पैसे आ गए, थोड़ा घर मिल गया, अच्छी बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, तो मेरे दोस्तों किसी गरीब को देखने को तैयार नहीं। कुर्बानी का गोश्त भी तो जमा होएगा ना घर में। मेरे प्यारो, मैंने कुछ दिन पहले सुना, एक बिहार के मौलाना आए थे, रोते रोते कहता था, मौलाना क्या ईद हमारी, कैसी ईद हमारी? कहा हमारा पूरा गांव पानी में बर्बाद हो गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, वो औरत क्या ईद मनाएगी जिसका 3-4 दिन पहले शोहर दुनिया से गुजर गया, वो बच्चा क्या ईद मनाएगा जो यतीम हो गया, वो माँ क्या ईद मनाएगी जिसका जवान बेटा पानी में बह गया। ये तो अल्लाह का करम है कि हम भूखे भी न रहे, प्यासे भी न रहे, अल्लाह ने हम पर कोई इम्तिहान नहीं दिया। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा एक जुमला कहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का आजाब आए, तू डर जा, जो अल्लाह वहां बेच सकता वो यहां भी बेच सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अपनी माँ, अपने माँ बाप का ना बना, वो किसी और का क्या बनेगा? करोगे माँ की खिदमत करोगे? आपसे दिल दिल साफ करो, दिल ये है ना, इससे बात नहीं करता उससे, अरे जा भाई जा, बड़े भले कोई भी होवे, उम्र में भले छोटा होवे, जा जाके बोल, सर पे हाथ रख, मेरे को माफ कर दे। वो बोले भी ना कि गलती मेरी, ना 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 ना, तेरी गलती नहीं, तेरी गलती होती तो तू आया होता, मैं आया ना तेरे पास, मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दे। और बोलो, जाके बोलो कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे को माफ कर दे। अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह के वास्ते किसी से माफी मांगोगे? अल्लाह कहता, मरने से पहले दुनिया में तेरी इज्जत का डंका बजा दूंगा। करेंगे? बोलो करेंगे। आज से ये सब मत करो। और हमारे यहाँ तो बड़ा अजब, ये ऊंचे खानदान का, ये छोटे खानदान का, ये वोरा है, ये मियां है, ये अहमदाबाद का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है, हाँ तो क्या हुआ? अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा, ना ना ना, तू तो बिहार का, तेरे से क्या सवाल पूछूंगा, तू तो वलसार का, तेरे को क्या सवाल, ऐसा अल्लाह बोलेगा? अल्लाह ने कहा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन कहां का है। अल्लाह कहता, मैं तो ये देखूंगा किसके दिल में मेरा डर ज्यादा होगा वो ही जन्नती होगा।